तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और मैं भी यहाँ पर अच्छा हूँ। और दोस्तों, हमारी आज की जो वीडियो होने वाली है, हम उसमें बात करेंगे ऐसे 5 मूवी जो आप लॉकडाउन का समय अपने घर पे बिता के उनको देख के आराम से रिलैक्स फील कर सकते हैं, एंटरटेन फील कर सकते हैं और प्राउड भी फील कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक तो सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, जो हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर मूवी है, उस मूवी का नाम है अग्निपथ। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा संजय दत्त और ऋतिक रोशन का। दोस्तों, ये मूवी बहुत ही अच्छी है, 2012 की मूवी है। और इस मूवी में भाई कहानी इतना अच्छा है कि मुझे बहुत पसंद आया और मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप भी इस मूवी को देखिए। तो इस मूवी में आपको बहुत तगड़ी कहानी देखने को मिल सकती है। तो इस मूवी में कैरेक्टर भी है ऋतिक रोशन का और संजय दत्त का, दोनों ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है दोनों का। और ये मूवी वाकई में बहुत ही हेल्पफुल है अगर आप मूवी मेकिंग के बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस मूवी को देखिए और एंटरटेन कीजिए, अपने घर पे कीजिए, लॉकडाउन में कीजिए। तो दोस्तों, जो हमारी चौथी मूवी है वो है शाहरुख खान की, इसका नाम है स्वदेश। दोस्तों, ये शाहरुख खान की अब तक की मेरे हिसाब से बेस्ट मूवी है। लोग कहते हैं कि चक दे इंडिया है, लेकिन मेरी लिस्ट में ये थोड़ी नीचे है चक दे इंडिया, इससे पहले आती है स्वदेश। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इस मूवी को वॉच करते हैं तो आपको इसमें इतना मतलब अपने आप को इतना मोटिवेट फील करेंगे कि आपको लगेगा कि नहीं भाई, मुझे भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि इस मूवी को भी आप वॉच कर सकते हैं लॉकडाउन में। तो दोस्तों, हमारी लिस्ट की अगली मूवी है जो वो भी है ऋतिक रोशन की, इसका नाम है लक्ष्य। दोस्तों, इसमें अगर आप एडल्ट के हिसाब से एक फिल्म देखते हैं तो आपको इतना मतलब उत्साह आपके अंदर होगा कि आपको भी लगेगा नहीं भाई, मैं भी देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ। और आप देश के लिए कुछ कर गुजरने की मतलब ख्वाहिश रखेंगे और बहुत ही अच्छी मूवी है। और भाई, इसमें ऋतिक रोशन का एक्शन तो पूछिए ही मत भाई, बहुत लाजवाब है। मेरे हिसाब से ऋतिक रोशन की सबसे बढ़िया मूवी होनी चाहिए। दोस्तों, जो हमारी ये वाली मूवी है, इस मूवी का नाम है फॉरेस्ट गम। दोस्तों, इसमें आप अपने आप को मतलब जो लोग समझते हैं कि मैं एकदम बुद्ध हूँ, एकदम अकेला हूँ इस दुनिया में, उनके लिए बहुत ही अच्छी मूवी है। इस कहानी के डायलॉग और जो जिस तरह से इस मूवी को बनाया गया है और इसमें जितना मतलब मेहनत किया गया है मूवी में और जितना मोटिवेट किया गया है इस मूवी के द्वारा, आपको देखने से ऐसा लगेगा कि नहीं भाई, मैं ही एक ऐसा इंसान नहीं हूँ, इतने सारे बहुत सारे इंसान हैं जो मेरी तरह अकेले हैं। और अपने आप को अकेला कभी आप फील नहीं करेंगे इस मूवी को देख लेने के बाद। दोस्तों, अगर आप अकेले अकेले रहते हैं भाई, ये हॉलीवुड मूवी है, हो सकता है आपको हिंदी में ना मिले, लेकिन कोशिश करिएगा ढूंढ के। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल बनाऊँ और इस पर मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा उसकी लिंक और जो मूवी बताऊँगा उसकी लिंक और जो भी कुछ खास बताने वाला होगा उसको अब लिंक मैं आपको दे दूँ वहाँ पर। और दोस्तों, जो हमारी लिस्ट में सबसे एक नंबर पर मूवी है, उसका नाम शायद आपको पता हो, अगर पता है तो कमेंट में कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और मेरे हिसाब से नंबर क्यों वन पीते लिस्ट हो की मूवी इतना है इसमें कि बर्दाश्त ही ना कर देवदास पाओ? मूवी। आप सब में से कितने लोगों ने भी देखा भी होगा भाई गॉड, उसमें तो कौन इतना कम अच्छा वक्त मतलब बर्दाश्त करने को एक्शन किया है पीता। शाहरुख खान ने और इतनी हम तगड़ी तो पीते एक्शन हैं कि यहाँ पर बैठ सीक्वेंस दिया। सकें, और तुम्हें मुझे नहीं लगता कि आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी देख जिस टाइप से सकें, फिल्में आ रही हैं उनकी अपेक्षा वो फिल्म मेरे हिसाब से बहुत तुम्हें बढ़िया बर्दाश्त थी। कर सकें। और उस फिल्म के वो मैं अभी मतलब बहुत बार देख चुका हूँ और वो मेरी